आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। गुरुवार को एक वायरल वीडियो के आधार पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नेताओं ने इंदौर DIG कार्यालय को ज्ञापन दिया था। इस वीडियो में एक युवक किसी बाजार में खरीदने आई हुई महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से इस तरह की हरकत को देखकर कोई भी सज्जन व्यक्ति नाराज हो सकता है। इस वीडियो के आधार पर इसे इंदौर के गोपाल मंदिर राजबाड़ा क्षेत्र का बताकर इंदौर के भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष राजेश शिरोडकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने DIG को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। वीडियो की सच्चाई के बारे में पता लगाने जब मीडिया गोपाल मंदिर राजबाड़ा क्षेत्र पहुंचा तो पता चला कि यह वीडियो इस क्षेत्र का है ही नहीं। इस अश्लील वायरल वीडियो को इंदौर के राजबाड़ा क्षेत्र में गोपाल मंदिर के पास के बाजार का बताया जा रहा है, जबकि यह वीडियो यहाँ का नहीं है। यहाँ के व्यापारियों ने मीडिया से चर्चा में कहा कि निश्चित रूप से उपरोक्त वीडियो में जो हरकत हो रही है वह बहुत ही गलत है, हम भी उसका विरोध करते हैं, किंतु यह वीडियो यहाँ का नहीं है। वीडियो में सीमेंट के ब्लॉक लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि गोपाल मंदिर एवं इसके पूरे आसपास के क्षेत्र में सड़क डामर की बनी हुई है। इस वीडियो में कहीं भी हमारा क्षेत्र नजर नहीं आ रहा है, फिर भी बिना वजह इसे हमारे क्षेत्र का बताकर इस क्षेत्र को बदनाम किया जा रहा है। कई व्यापारियों ने कहा कि पिछले 60 से 70 वर्षों से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, वर्षों से यहाँ पर महिलाएं खरीदारी करने आ रही हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करता हुआ दिखाई दे तो व्यापारी स्वयं ही उसे थाने का रास्ता दिखाई देते हैं। कई व्यापारीगण नगर सुरक्षा समिति के सदस्य हैं और किसी भी प्रकार से इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मामले में सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष एवं प्रिंस यशवंत रोड के व्यापारी मंजूर बैग ने कहा कि इस क्षेत्र में अधिकांश गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग खरीदारी करने आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दोनों ही वर्ग की महिलाएं खरीदारी करने आती हैं। अश्लील वीडियो को हमारे क्षेत्र का बताकर जबरदस्ती हमारे क्षेत्र को बदनाम किया जा रहा है। इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ज्ञापन दिया है और जो राजबाड़ा माँ अहिल्या की नगरी जहाँ माता जी स्वयं विराजमान है और इस आसपास के क्षेत्र जो व्यापारी क्षेत्र है और जिसको के कबाड़ा बाजार कहते हैं, यहाँ पर के व्यापारी हिंदू मुस्लिम के साथ सभी धर्म के लोग व्यापारियाँ व्यापार करते हैं और ये व्यापारी अपने आप में सक्षम है, गलत हो, छोटे हो, उठे गिरे हो, जेब कट हो, आज सामाजिक तत्व लोग इस गली में या रोड पे आते हैं तो हम स्वयं इतने सक्षम है कि हम खुद जूते देके पुलिस में उनको जमा कराते हैं और कायमी कराते हैं। इस मामले को किसी वर्ग विशेष से जोड़कर बताया गया इसको लेकर, इसलिए मेरा कहना है जिस भी संगठन ने जो ये प्रयास किया है, एक तो माँ अहिल्या की नगरी को बदनाम करने का प्रयास किया है, दूसरा सांप्रदायिक भावनाएं विशेष वर्ग को भड़काने का पूरा प्रयास किया गया, दूसरी बात वीडियो जो है वो इंदौर नहीं पूरे आसपास क्षेत्र का कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ रोड जो है सीमेंट कंक्रीट है और डांबरी रोड है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है ब्लॉक लगे हुए और इतना बड़ा मार्केट यहाँ राजवाड़ा क्षेत्र के आसपास कहीं भी नहीं है। तो मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ, जिस संगठन ने भी वो ज्ञापन दिया और ये भावना भड़काने की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ आके हम बेल्ट बाल लेकर खड़े रहेंगे, पहला इंदौर की 56 दुकान इधर जाके अपनी व्यवस्था दे हिंदू संगठन, उसके बाद यहाँ की बात करें। यहाँ का व्यापारी अपने आप में सक्षम है, हम हर आदमी को ठीक करने की ताकत रखते हैं। बाजार का नहीं था वो, कहीं और से वो अपलोड हुआ है, वो यहाँ का नहीं है। तो इस बाजार के लोगों पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ वर्ग विशेष के लोग जो है इस तरह की हरकत करते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बेबुनियादी है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब व्यापारी लोग हैं, सब व्यापार करने वाले लोग हैं, अपना अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। यदि कुछ कोई इस तरह की असली हरकत करता है तो क्या व्यापारी मिलकर कुछ विरोध करते हैं, उसका क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हम आपस में मिलकर निपटा लेते हैं। यहाँ पर बाहर का है, कहीं का दिल्ली वगैरह का सुना हमने, वो यहाँ का नहीं, यहाँ करते हरकत तो सब व्यापारी लोग माल के उसको मार कूट के भगाते हैं, कोई भी हरकत करता है तो बंद कराते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। हुआ है क्योंकि हमारे माँ अहिल्या की नगरी के अंदर बड़े भाईचारे से और बड़े उससे प्यार से रहते हैं,
हमारे वहाँ पर जितनी भी बहन बेटियाँ आती है वो हमारे परिवार से संबंधित होती है, और ये जो वीडियो को उन्होंने चेक नहीं करा, वीडियो का गलत व्यू करके वो बनाया इन्होंने, ये बिल्कुल गलत है और अच्छा नहीं लगा। हम लोग बिल्कुल, हमारी माँ और बहनें हैं, हमारे वहाँ आती है, ख़रीदती है और हमको बेचते हैं और हमारे भी हमारे अपने परिवार का पेट पालते हैं, ऐसा कोई सी बात नहीं है। और इसको गलत तरीके से लिया है, इसको प्लीज़ नहीं लेना चाहिए। बहुत हमें इस बात का हुआ, हम 50 साल पुराने यहाँ के दुकानदार हैं, और सब में बड़ी बात है, इसको चोर बाजार कहते हैं, ये चोर बाजार है ही नहीं, ये निहालपुरा आएगा, और जो हैगा कि ये अपने ये निहालपुरा क्षेत्र कहलाता है, इसमें ये कोई चोर बाजार नहीं है। और राजवाड़ा की तरफ से जो भी हो रहा आएगा वो भी सब सही है, सब अपना पेट पालते हैं, गुंडा बदमाशी करने, दादागिरी करने या कोई ऐसा गंदा काम करने कोई भी नहीं आता। और मेरा नाम मकबूल हसन हैगा और मैं निहालपुरा अटाला बाजार के अंदर मैं कम से कम 50 साल से कारोबार कर रहा हूँ। वीडियो यहाँ का नहीं था, वो जिन्होंने भी आवेदन दिया था उनको पहले तफ्तीश करना थी, कहाँ का है, कौन है इसके अंदर। उन्होंने ज़बरदस्ती में डाल दिया यहाँ के, यहाँ का है माहौल ख़राब कर रहा है। हम सालों पुराने हैं, लोग आ गए, व्यापारी यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी हमारे लिए सम्माननीय है। पुलिस की बात इसी, हर जगह पुलिस उपस्थित नहीं होती है, बाई चांस कभी कुछ यहाँ पर घटना होती है तो हम लोग उसको आगे आके देखते हैं, समझते हैं, उसका निराकरण करते हैं। सामान्यतः यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सभी सामान्य, सभी हमारे लिए जो भी यहाँ आती है, हमारी माँ बहन है, ग्राहक भगवान के समान होता है, हम उसको उसी रूप में देखते हैं। तो आपके अनुसार ये जिसको तफ्तीश करना थी, और जिन्होंने भी बोला, जिन्होंने भी डाला है, उनको उसका खेत प्रकट करना चाहिए कि जो भी हुआ उनसे गलती हुई है। जो है ही नहीं हुआ यहाँ पे, ऐसा कुछ यही होता भी नहीं, और होता भी है तो यहाँ सब जने व्यापारियों का संगठन में ना हुआ है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, वो ऐसी कुछ घटना होती है तो उसको रोका जाता है हाथों हाथ, और उसको दंडित किया जाता है, मारा जाता है, पुलिस के द्वारा बंद कराया जाता है, या थाने पर उनको खुद ही लेके जाते हैं व्यापारियों को। कुछ भी कोई सी भी हरकत करता है, किसी भी प्रकार की, कोई यहाँ पे सब भ्रामक प्रचार कर रहे हैं बाजार का, वही सब जानकारी असत्य है।